मेरी काबिलियत पर शक करता है? व्हाइट स्कूटर से आए हो? अरे बाबा, स्कूटर में तो भाई है, गाड़ी का नंबर UP21। अरे तो हे गाइस, यार आज हम बात करेंगे मिनी मिलिशिया की निंजा टिप्स और ट्रिक के बारे में, बट उन टिप्स और ट्रिक का बात नहीं करेंगे जो आपको पहले से पता है, जैसे कि क्राउच करना, मेली और हेडशॉट मारना, ये सारी चीजें हम कुछ अलग बताएंगे और यूनिक बताएंगे जो कि आपको पहले से पता नहीं है, और कुछ होगी तो भी आपको काफी इंटरेस्टेड लगेगा। तो आगे चलते हैं गेम प्ले में और वहीं मिलते हैं हम लोग। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब मार देना, बेल आइकन को तोड़ फोड़ के अपने घर पे ले जाना, और हां वीडियो को लाइक मार देना। वीडियो के लास्ट में आपको एक गोल्डन ट्रिक भी बताऊंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो चलो गेम प्ले की तरफ। हाँ तो भाई लोग, यार टिप नंबर वन, तो टिप नंबर वन हमारी ये होने वाली है कि इसके अंदर हम जब भी बजुका का यूज कर रहे होते हैं तो साथ में अपने को ग्रेनेड भी फेंकना है। बंदा उस एमओ से बचने के लिए फुल ट्राई करेगा बट ग्रेनेड से नहीं बच पाएगा। अगर ग्रेनेड से बच गया तो एमओ उसको पक्का लगेगी। तो ये ट्रिक काफी ज्यादा यूजफुल रही है मेरे लिए, तो आप भी ट्राई करना, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा बंदा कितने आसानी से किल हो गया। इस ट्रिक के अंदर यार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अब क्या करे, वो ग्रेनेड से बचे या फिर एमओ से बचे, और उसे लगता है कि ये बंदा हैकर भी हो सकता है। तो भाई यार काफी ज्यादा यूजफुल ट्रिक है, आप लोग जरूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद कमेंट भी करना। हाँ तो गाइस यार अब बढ़ते हैं हम लोग टिप नंबर टू की तरफ। तो टिप नंबर टू हमारी ये होने वाली है कि अपने को स्नाइपर के साथ ईएमपी गन को रखना है और सामने वाले पर्सन को डैमेज करना है। सामने वाला पर्सन की बूस्ट बिल्कुल डाउन हो जाएगी, अपने को स्नाइपर से उसको शॉट मार देना है। अगर वो बंदा स्नाइपर से नहीं मरता है तो हमारे पास ग्रेनेड भी होगा, तो वो आराम से किल हो जाएगा क्योंकि उसकी बूस्ट डाउन हो चुकी होगी और बंदा काफी कंफ्यूज भी रहेगा। तो काफी यूजफुल ट्रिक है, यूज करना। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर थ्री की तरफ। हाँ तो गाइस यार अब बढ़ते हैं हम टिप नंबर थ्री की तरफ। तो टिप नंबर थ्री थोड़ी फनी होने वाली है लेकिन काफी सही है। तो इसके अंदर हमें यह करना है कि अपने को गैस बम कैरी करना है और झाड़ियों में बैठ जाना है। सामने वाले बंदे का मूवमेंट चेक करना है कि वो झाड़ियों की तरफ आ तो नहीं रहा। अपने को पता पड़ जाएगा कि बंदा इस झाड़ियों की तरफ से आ रहा है तो अपने को गैस बम वहां ब्लास्ट करके वहां से निकल लेना है, क्योंकि उसका ग्रीन कलर होता है और झाड़ियों का कलर भी ग्रीन है, तो वो उतना ज्यादा दिखता नहीं है वहां पे, और बंदा बड़ी आसानी से उस गैस बम के अंदर आ जाएगा और आराम से किल हो जाएगा। तो काफी सही ट्रिक है, तो यूज करना, काफी मजेदार भी है और मजा भी आएगा। सो अब हम बढ़ते हैं हमारी गोल्डन ट्रिक की तरफ जो कि हर वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ बंदे के आउटफिट पे ध्यान देना है। अपने बंदे का आउटफिट ऐसा रखना है जो काफी प्रो लगे, और प्रो बंदे को देख के नूब बंदे दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो भाई आपका काम आसान हो जाएगा, आप आराम से उन बंदों के पीछे रश कर पाओगे। तो अपना आउटफिट ऐसा रखो कि सामने वाला कपकपा जाए।